नमस्ते, हाय फ्रेंड्स। ये तो आपने कहावत सुनी ही होगी, लोहा लोहे को काटता है, करेक्ट? आम है, सबने सुनी है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, लोहा जब गर्म होता है तब ठंडा लोहा उसे काटता है। इससे आपको क्या सीख मिलती है? जब भी आपको गुस्सा आता है तो उस वक्त किसी ठंडे दिमाग वाले पर्सन के पास जाओ, उस व्यक्ति के पास जाओ जिसका दिमाग बिल्कुल ठंडा है, और फिर आप कोई एक्शन जो लेने है वो ले लो। जब आयरन इज हॉट, अगर वो तपता हुआ गर्म लोहा आपको कहीं लगता है, छू जाता है, तो आप जल जाएंगे। इसी तरह से होता है, जब आपका दिमाग गर्म होता है तो हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलते हैं, हमारे बॉडी से इस तरह से शब्द, इस तरह से किसी को मारो या किसी पर गुस्सा करो, ऐसा सब कुछ हो जाता है जो सामने वाले के लिए उसके ऊपर जो असर पड़ता है, इसका हमको ध्यान भी नहीं होता। बिकॉज यू आर बॉइलिंग हॉट, योर हेड इज कंप्लीटली गॉन। तो लोहा जब गर्म होता है तो कटता कब है, उसका गुस्सा कब कम हो जाता है? जब ठंडा लोहा उसे काटता है। लोहा एक ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, तो ही वो कटेगा। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू बी ऑब्जर्वेंट, बी अवेयर। आपका दिमाग जब गर्म होता है, किसी चीज से आप जब नाराज होते हो, गुस्सा हो जाता है, लाल बबूले हो जाते हो गुस्से से, तब ओनली अ पर्सन हु इज साइलेंट एंड क्वाइट will make you peaceful. So, in once in a lifetime, तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। ये तो आम बात है, लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में गुस्सा नहीं आना चाहिए वगैरह, ऐसा उस स्टेज पर जाने के लिए तो बहुत it'll take you many years, but आमतौर पर सबको गुस्सा आ जाता है। सभी लोग गुस्से में कुछ ना कुछ किसी को कह देते हैं, तो सामने वाले को बुरा लग जाता है, ये आम चीज है। बट नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर एंग्री, बिकम अवेयर कि नो, यू हैव टू गो टू समबडी हुज अ लिटिल शांत दिमाग से मुझे एडवाइस करे या कुछ। मियां बीवी में कभी कभी कोई, अगर हस्बैंड इज वेरी हॉट हेडेड, देन द वाइफ इज ठंडा, शांत रहो कहती रहती, या अगर वाइफ बहुत गर्म दिमाग की हो तो हस्बैंड ओके करते रहते हैं। सो इसी तरह से कोई भी रिलेशनशिप में कभी भी, इनफैक्ट व्हेन आई सी पीपल फाइटिंग ऑन द रोड, ट्रैफिक सिग्नल पे दो टैक्सी वाले या दो रिक्शा वाले या दो कोई जो इस तरह से लड़ते हैं झगड़ते, कैसे लगता है बाप रे एक दूसरे का खून कर देंगे, इतना चिल्लाते इतना चीखते हैं, बाप रे बाप, पता नहीं इनको एक दूसरे की बातें सुनाई भी देती है या नहीं। उसमें फिर मारामारी भी होती है, उसमें कोई किसी को मारता है, कोई किसी को थप्पड़ देता है, यू नो इट गोज टू अनदर लेवल समटाइम्स। तो आई हैव नोटिस दिस कि क्राउड में से कोई एक बंदा आता है और बोलता है प्लीज दोनों सेपरेट हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या बात है बोलो, फिर वो समझाता है दोनों को और दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। आपने भी देखा होगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि गुस्सा होता है, ओके फाइन, एग्रीड, एक्सेप्टेड, गुस्सा हर किसी को आता है, बट वहां पे अगर कोई आपको समझाने वाला नहीं हो तो आपको खुद को अवेयर रहना चाहिए ना। तो ये जो अवेयरनेस है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में या स्पिरिचुअलिटी में, आप जो डिवाइन से कनेक्ट करते हैं तो कहीं पे आपके अंदर के डिवाइन आपको शांत करते हैं। आपके अंदर के डिवाइन आपको बोलते हैं ठीक है, इट्स ओके, रिलैक्स, चिल, ब्रीद। ये अंदर से एक आवाज आ जाती है, दैट अवेयरनेस इज स्पिरिचुअलिटी। गुस्सा आता है गुस्सा नहीं आता ये सब सारी चीजों में ना पड़ो। लोग बोलते रहते हैं अरे यू आर सच अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू स्टिल गेट एंग्री, प्लीज डोंट गेट अफेक्टेड बाय ऑल दीस थिंग्स। सब लोग यही कहते हैं, किसी दिन मुझे अगर मौका मिला तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि गुस्सा आना भी एक इमोशन बहुत जरूरी है। इट इज ऑल वन इमोशनल बैग, इसमें से गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकते, जेलसी बाहर नहीं निकाल सकते, इनसिक्योरिटी बाहर नहीं निकाल सकते, नो, इट्स अ वन फुल बैग ऑफ इमोशन। खैर वो मुद्दा अलग है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम जब बोलते हैं तब अंदर से जब गुस्सा आता है तो अंदर से एक आवाज, एक शांति की आवाज आती है, रिलैक्स,
रिलैक्स ब्रीद एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी. यू आर ऑन द वे टूवर्ड्स इट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. गुस्सा आता है तो मैं उसे शांत कैसे करूँ. सपोज आजू बाजू कोई नहीं है आपको समझाने वाला, आपको शांत करने वाला, तो क्या करेंगे आप? ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे? ऐसे ही आग बबूला होते रहेंगे? नो, यू कांट डू दैट. सो अंदर से जो आवाज आती है दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज योर वॉइस ऑफ द डिवाइन. द डिवाइन टेल्स यू ओके रिलैक्स. सो हाउ टू कनेक्ट विद दैट डिवाइन वॉइस विच इज इनसाइड यू, मिलियन डॉलर क्वेश्चन. How to connect with that divine voice which is inside. You have done a couple of videos on this, many of them. Of course, I teach this also in my class when I'm doing my Meditate With Me classes, which I have spoken about many times. So I teach you also with that how to connect with the divinity that is there inside you. That is one of the sessions also which I do. So when you are engulfed with that divine love, jab aap puri tarah se us डिवाइन लव में, उस प्रेम में बिल्कुल डूब जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका गुस्सा भी कम होने लगता है. जैसे गुस्सा आता है अंदर से एक अवेयरनेस आती है, नो नो देयर इज नो नीड टू गेट एंग्री. जो चीज़ें ठंडे दिमाग से होती हैं वो गर्म दिमाग से नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है. गर्मी वी डोंट वॉन्ट एड रेड समर बीच में अभी, कि जब आपको गुस्सा आता है तो उस वक्त कोई भी डिसीजन आप ना लें, बिकॉज आप जब आपको गुस्सा आता है तो गलत ही डिसीजन लेंगे. और बहुत खुशी होती है तभी भी कोई डिसीजन ना लें, बिकॉज आप उस खुशी में गलत डिसीजन ले लेंगे. माइंड हैज टू बी एब्सोल्युटली स्टेबल इन वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग. आप डेफिनेटली गलत डिसीजन ले लेंगे अगर गर्म दिमाग हो या बहुत खुशी हो. सो देयर दिस कनेक्शन व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट to is what I'm trying to tell you is ye jo inner connection hai which is so important not only when you are angry, ye jo divine connection hai wo aapko har mood pe har waqt har kshan aapke sath rehta hai aur aapko matlab you will know what miracles happen in your life. That divine connection is something which becomes a part of you. aise lagta hai ki maine kuch kiya hai na, ye maine कैसे ये किया, मैं वहां क्यों गई, मैंने वो क्यों पिकअप किया, मैंने ये चीज क्यों की, बट आप करते हैं बिकॉज देयर इज समबडी गाइडिंग यू टू डू इट एंड समबडी इज टेकिंग केयर ऑफ यू. इतना कि मिरेकल्स विल हैपन टू यू जस्ट लाइक दिस. व्हाटएवर यू वांट विल जस्ट गेट मैनिफेस्टेड, बट यू नीड द डिवाइन कनेक्शन. Manifestations don't happen by just writing things down or by saying it 100 times. They are affirmations, of course they work for a bit. They do work for a bit. I would not completely say that they don't work. They do work for a bit. But after a point, you need to grow in spirituality. You need to have this connect, which is permanent, which is forever. We are looking for shortcuts in spirituality. There are no shortcuts in spirituality. ये करो तो ये होता है, फलाना करो तो फलाना होता है, नमक का पानी यूज करो तो अबंडेंस होता है. All these are good things to do. You can definitely try it out. There's nothing wrong in that. But after a time, they don't work. So what you need permanent things, na? You need things which permanently work with you. Not something by doing this and doing that and plucking a flower here and putting the glass there. That's not going to work. Now on the social media, I've been seeing so many things. If you want to get money, 10,000 rupees in a week, you write this down. How can you just get money 10,000 rupees a week just by doing no काम, no work? ऐसे थोड़ी ऊपर से ऐसे पैसे आ जाएंगे, कहाँ से आएंगे? तो इतने लोग इन सब चीजों में बह गए हैं कि उनको करना कुछ नहीं है. अच्छा ये फलाना नंबर लिखो चार बार या नौ बार या 21 बार जो भी है, ये नंबर लिखो आपको पैसे आ जाएंगे. हाउ? कुछ भी आप करेंगे नहीं, सिर्फ ये नंबर लिखते रहेंगे आपको पैसे आ जाएंगे, आते होंगे, चलो मान लिया. बट दिस इज नॉट अ परमानेंट इलाज ना. एक परमानेंट इलाज तो चाहिए आपको. ये थोड़े दिन के लिए वर्क करेगा, फिर क्या? फिर वापस कुछ और ट्राई करो. डू समथिंग विच इज परमानेंटली गोइंग टू हेल्प यू. एंड इनसाइड व्हेन यू चेंज फ्रॉम विद इन, देयर इज नो वे एंड नो चांस ऑफ यू रिवर्सिंग, कंप्लीटली नो चांस. यू आर अ चेंज ह्यूमन बीइंग. And that is what is to be done.
temporary things are not going to work. They are temporary. Go for permanency. Spirituality is no shortcuts. You have to understand first where we are going. We are looking for short-term results. Idhar idhar ye kiya, idhar udhar udhar nariyal phoda, udhar mithai baati, ye mila, wo mila. These are short-term gains. What about the long-term gains? Think of the future. Have some foresight. So guys, as we have said, as I started with the topic, loha lohe se kaatta hai. तो आप ये जरूर दिमाग में रखिए, जब आपको गुस्सा आता है, गरम जब लोहा होता है, तब उसको ठंडे लोहे का प्रहार करना ही पड़ता है, तभी वो कटेगा, वरना नहीं. सो प्लीज रिमेंबर दिस, बी इन अवेयरनेस, गो विद इन, एकदम शांत हो जाइए आप, ये मेरा वादा है. थैंक यू, बाय.